इन्होंने अपने घर में ही उन बच्चों के लिए स्कूल खोल लिया है जो कि सड़कों पर रहते हैं, जो तालीम हासिल नहीं कर सकते। जौहर ब्लॉक 1 पहाड़ के ऊपर कोई गवर्नमेंट स्कूल खुलवा दे। इतना प्यारा लिखते हैं, इतनी अच्छी ड्राइंग करते हैं। प्राइवेट स्कूल्स हमारे एरिया में बहुत ज्यादा है, बहुत हाई फीस वाले। ये बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। प्राइवेट टीचर हूँ स्कूल की, तो मुझे पता है कि कितनी सारी एक्टिविटीज होती हैं। ये बच्चे बहुत कोऑपरेटिव हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ महामजरा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ द बाजी स्कूल में। मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जिनका नाम है तहसीन फातिमा। इन्होंने अपने घर में ही उन बच्चों के लिए स्कूल खोल लिया है जो कि सड़कों पर रहते हैं, जो तालीम हासिल नहीं कर सकते, जिनके माँ बाप के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपने बच्चों को तालीम दे सकें। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक ये बहुत बड़ा इकदाम उठाया और अपने घर में ही, अपने घर को ही स्कूल बना लिया और उन बच्चों को तालीम देना शुरू कर दी। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये ख्याल इनको कहाँ से आया और कितने बच्चे इस वक्त इनके पास तालीम हासिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि बहुत सारे इस वक्त पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें तो लाखों के करीब बच्चे हैं जो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, आप अपने पास कितने बच्चों को तालीम दे रही हैं और इस बात का ख्याल आपको कैसे आया? मैं यहाँ 2 साल पहले इस एरिया में शिफ्ट हुई थी। यहाँ चारों तरफ हज़ारों झुग्गियाँ हैं और मैंने देखे दिन भर बच्चे बाहर खेलते रहते हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, कंचे खेल रहे हैं, लट्टू चला रहे हैं, मिट्टी में भरे हुए हैं। माएँ उनकी मासियाँ हैं, बाप उनके या तो मजदूर हैं या टीन डब्बे वाले हैं। तो जब मुझे मेरी मासी ने कहा कि आप पढ़ाएं, मेरे बच्चों को पढ़ा देंगी, मैं खुद ओ लेवल टीचर हूं और कराची के एक बड़े स्कूल में टीचर हूं मैं, तो जब ये उस मासी ने कहा कि मेरे बच्चों को पढ़ा दें, तो मेरे ख्याल आया कि मैं जहां 2 बच्चों को पढ़ाऊं, क्यों ना मैं और 10 बच्चों को पढ़ाऊँ। तो मैंने उसके बच्चों को कहा कि तुम आना और अपने साथ और भी बच्चों को ले आना। तो बस पहले दिन से 20-25 बच्चे आने लगे और मैं यहीं इसी ओपन एरिया में पढ़ाने लगी। एक छोटा सा मैंने बोर्ड ख़रीद लिया, उसके ऊपर अलिफ बे पढ़ाने लगी। मज़े की बात यह कि ये बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। जितने बच्चे आ रहे मेरे पास, इस सब 55 से 60 बच्चे हैं, कभी कभार 50 से 55 हो जाते, तो इनमें से सिर्फ 3 बच्चे स्कूल जाते हैं और वो भी तीनों भाई बहन हैं, यानी एक फैमिली के जाते हैं, और बाकी बच्चे नहीं जाते ना, उन्होंने कभी स्कूल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फिर उनको मैंने अलिफ बे से पढ़ाना शुरू किया, जाके बाज़ार में बुक्स ढूंढी, छोटी छोटी बुक्स ढूंढी, अल्फ़ाबेट के बाद 2 वर्ड पढ़ाया, जैसे ATAT, INN, फिर 3 वर्ड्स पर आई। मेरे पास 2 कैटेगरीज के बच्चे हैं, जगह की कमी की वजह से और वसाइल की कमी की वजह से, क्योंकि मैं ही पढ़ाती हूँ दोनों बच्चों को। तो एक दिन मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ जो 3 से 6 साल के एज ग्रुप है, और एक दिन 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप को पढ़ाती हूँ। तो 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप ने बहुत इम्प्रूवमेंट दिखाई, अब आज मुझे बहुत खुशी होती है। फर पढ़ने लगे और अच्छा खासा लिखा। जब वो आपके पास आए थे तो उनको कुछ भी नहीं आता था? अलिफ बे भी नहीं आता था, ना ABCD, ना 1 2, कुछ नहीं। कभी पेंसिल नहीं पकड़ी थी, कॉपी, खैर मैंने पहले तो कॉपी पे करवाई नहीं, स्लेट पे काम करवाया। जब उनकी राइटिंग छोटी हो गई, साफ़ सुथरी होने लगी, तो फिर कॉपीज़ ला कर दी। आज कॉपियों में इतना प्यारा लिखते हैं, इतनी अच्छी ड्राइंग करते हैं, और उर्दू तो अच्छा खासा पढ़ लेते हैं, इंग्लिश के छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ लेते हैं। अच्छा, ये बताएं कि इस तरह के जो, इस तबके के जो, इस लेवल के, इस लोअर क्लास हम उनको कहेंगे, इनके जो बच्चे होते हैं, इनके लिए गवर्नमेंट स्कूल की भी सहूलियात जो है वो हुकूमत ने दी हुई है, तो इनके जो पेरेंट्स हैं वो इन्हें गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला क्यों नहीं करवाते? अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल एक तो बहुत कम है,
अब हमारे एरिया में यहाँ कहीं नहीं है, दूर दूर तक। नीचे यूनिवर्सिटी रोड पर एक कोने में है, और वहाँ पर ना इनके माँ बाप के पास किसी के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, बच्चों के पास बे फॉर्म नहीं है, और दूर से ये लोग डरते हैं क्योंकि ये इनके माँ बाप तो काम पे चले जाते हैं। तो इस पहाड़ के ऊपर इस ब्लॉक वन में कोई स्कूल नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल खुलवा दे तो इस हज़ारों बच्चे हैं यहाँ, हज़ारों, मैं तो कह रही हूँ झुग्गियाँ हैं, तो लाखों बच्चे हुए, लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई फीस वाले, और ये बच्चे तो इन्होंने तो कभी पेंसिल नहीं पकड़ी, इनको स्कूल में एडमिशन देगा भी नहीं कोई। किसी की एज 10 साल है, किसी की 11, एज वाइज चलता है आपको पता है स्कूल में एडमिशन। तो ये स्कूल चैरिटी स्कूल ही कोई खोले तो उसी में ये बच्चे आराम से लेवल वाइज पढ़ सकते हैं क्लास में। अच्छा, इस वक्त जो है वो आप पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को और क्या सहूलियात फराहम कर रही हैं, या कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, कौन सी ऐसी नॉलेज है जो उन्हें प्रोवाइड कर रही हैं जिससे उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके? अच्छा, स्पोर्ट्स करवाती हूँ मैं, क्रिकेट के बैट्स दिए हुए हैं, क्रिकेट मैच करते हैं, लड़कियों को बॉल दी हुई है, वो थ्रो बॉल खेलती है मेरे घर के आगे। अच्छा, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करते हैं, कभी कोई चीज़ बनवा देते हैं। एक दो लोग आए हैं, ख़ुद उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया है, और उन्होंने ऑब्जेक्ट्स पे पेंट किया है, उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस के छोटे छोटे टॉयज दिए जिस पे इन्होंने पेंटिंग्स की, किसी ने प्लांट लगवाए इन लोगों से यहीं पे सामने गमलों में। तो चूँकि मैं खुद ओ लेवल और प्राइवेट टीचर हूँ स्कूल की, तो मुझे पता है कि कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और क्या क्या होता है। मेरे बच्चों ने भी खुद पढ़ के निकले हैं मेरे बच्चे, तो जो मेरे बच्चों ने पढ़ा है मैं वो करवाती हूँ उनसे। अच्छा, ये बताएं कि आपके पास जो भी स्टेशनरी मौजूद है जो बच्चों के पास है, वो आपने अपने पास से उन्हें प्रोवाइड करी है, या आपके साथ इस नेक काम में कोई और भी शामिल है? अभी मैं पिछले 1.5 साल से तो खुद ही कर रही थी, और इतना कोई ख़ास खर्च भी नहीं होता। ये बच्चे बहुत कोऑपरेटिव हैं, जब मैंने इन लोगों को कॉपीज़ दे दी, भर गई कॉपीज़, तो इन्होंने खुद मिटा ली, मिटा के कह रहे हैं इसकी तो कॉपी नहीं हो गई, अगर फट गई तो कह रहे हैं कल हम खुद इसको जोड़ के ले आएंगे। ये इतने अच्छे बच्चे हैं, ना कोई टाइम्स, बहुत मुझे जैसा इनका इंप्रेशन, जो मैं समझ रही थी कि ये तंग करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, समझ नहीं आएगा, सबक याद नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल उसके उलट निकले। इन्होंने बहुत जल्दी लर्निंग की, और मैंने देखा ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। अच्छा, इनमें से ये कोई बच्चा नाई के पास बैठता है, कोई टेलर के पास बैठता है, कोई कारपेंटर के पास जाता है। 4 बजे छुट्टी लेके आते हैं, और फिर यहाँ से 4 से 5 के बाद ये वापस अपने काम पे चले जाते हैं। तो इनका शौक और जज्बा देख के मैं खुद बहुत मोटिवेट होती हूँ। अच्छा, ये बताएं कि आपने जो है वो टीचर्स भी यहाँ पे रखी हुई हैं जो बच्चों को, आपके अलावा भी, क्योंकि तादाद बच्चों की दिन ब दिन आपकी बढ़ी रही है माशाल्लाह से, तो आपने जो टीचर्स अपने पास रखी हुई हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे काम कर रही हैं, बच्चों को तालीम दे रही हैं, या आप उनको कुछ पे भी करती हैं? नहीं नहीं नहीं, ये खुद आई हैं वॉलंटियर, बल्कि ये खुद भी आई हैं और इन्होंने इसको डोनेट भी की हैं चीज़ें। ये जो एक दो वॉलंटियर टीचर्स आई हैं, ये अपने साथ बहुत कुछ लेकर आई हैं, बुक्स लाई हैं, फ्लैश कार्ड्स, स्टेशनरी बहुत सारी, स्लेट्स इन्होंने डोनेट भी की, और ख़ुद इन्होंने कहा कि मैं पढ़ाऊँगी, और बहुत दूर से आई हैं। एक टीचर तो काफ़ी दूर से आई हैं, और वो आकर ख़ुद पढ़ाते हैं, तो इससे मेरा और जज्बा बढ़ता है और एक्सपेंड हो रहा है। बहुत लोग मुझ पर से रब्ता कर रहे हैं कि हम आके पढ़ाना चाहते हैं, हम क्या कर सकते हैं आपके साथ, मदद क्या कर सकते हैं, हम पढ़ाना चाहते हैं, कोई एक्टिविटी करवाना चाहते हैं, लेकिन ना वही जगह की कमी, टाइम की कमी। अब मैं सिर्फ इनको 3 से 4 यानी शाम को 3 से, गर्मियों में 6 तक पढ़ाती थी, अब सर्दियों में 4 से 5:30 तक। अच्छा, आप क्या देखती हैं इन बच्चों के अंदर, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना होता है कि ये जो लोअर क्लास जो बच्चे होते हैं जो तालीम हासिल नहीं करते, जाहिर सी बात है उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी तालीम नहीं होती है उनके पास, वो एजुकेटेड नहीं होते इनके पेरेंट्स भी, तो लोग ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं इनके, इनका भी तालीम में या पढ़ाई में दिल नहीं लगता, इनके अंदर जो है वो पढ़ाई करने का जज्बा नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाई से भागने वाले होते हैं या पढ़ाई को नापसंद करने वाले होते हैं। तो आपने इन बच्चों में पढ़ाई के लिए कितना शौक देखा है, और कितना ज़्यादा इनके अंदर जो है ना इस बात का जज्बा देखा है कि वो पढ़ें और कुछ बने? अच्छा, देखिए, ये बच्चे जो है ना, ये ज़्यादातर मदरसे गए हैं, इनके माँ बाप को पढ़ाने का बहुत शौक है, ये बच्चे मदरसे गए, लेकिन जब इनको सबक याद नहीं हुआ तो मदरसे में इनको बहुत मार पड़ी, और ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि हम मदरसे से भाग गए क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा मारते थे, जब हम सबक याद नहीं करते थे तो हमें मारते थे।
बिल्कुल एक 3 साल का बच्चा हो चाहे 2 साल का, सब मदरसे से भागे हुए बच्चे। तो मैंने तो एक तो इन लोगों को डांटती नहीं हूँ मैं कभी भी, और फिर मैं इनको टोकती नहीं हूँ। ये अक्सर क्योंकि ये अपनी माँ से काम, लड़कियाँ माँ के साथ काम करके आती हैं, जो सुबह 7-8 बजे निकलती हैं 8 बजे, और फिर 3 बजे घर पहुँचती हैं, 4 बजे यहाँ आ जाती हैं, थकी भी होती हैं। तो कब कुछ बच्चे ना लेट जाते हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन मैं उनको कुछ नहीं कहती, लेट के काम करते रहते हैं, कभी घूम रहे हैं। अच्छा मैं यहाँ पर इन लोगों को ना जब छुट्टी दे देती हूँ तो वो इस इधर ही मेरे इस एरिए में खेलते हैं, कुछ ना कुछ खेलते हैं, मैं इनको छोड़ देती हूँ। काफ़ी खेलते खेलते फिर ये मगरिब की अजान होती है तो ये खुद चले जाते हैं। अच्छा मैं इन लोगों के साथ अक्सर इन लोगों को नाश्ते के लिए बुलाती हूँ संडे को, तो ये अपने घर से ले कर आते हैं चाय पराठा या कुछ, और फिर हम यहाँ पर खाते हैं, चाय मैं इनको सर्व कर देती हूँ। कभी कभार हम करीब के होटल में नाश्ता करने चले जाते हैं संडे को, उसके पैसे ही बच्चे खुद लाते हैं, 150-250 बच्चे खुद लाते हैं, हम इनके साथ नाश्ता करते हैं। तो इस एक्टिविटी से ना मैंने लोगों में शौक पर मेंटेन रखा है, बरकरार रखा है। इसे तमाम देखने वालों को इस वक्त अपनी जानिब से आप क्या पैगाम देंगी, क्योंकि जो इनिशिएटिव आपने लिया हुआ है, जो इकदाम आपने उठाया है बच्चों की तालीम देने का, बच्चों को तालीम देने का, और इस मुल्क में से जो है वो जो बच्चे ऐसे हैं जो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे उनको ख़त्म करने का, और जितना ज़्यादा हो सके बच्चों को वेल एजुकेट करने का, तो इसके हवाले से जो है ना आप क्या पैगाम देखना चाहेंगी तमाम देखने वालों को, या गवर्नमेंट लेवल पे अगर आप कुछ बोलना चाहें। देखिए मैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट लेवल पर तो मेरी ये गुजारिश है कि खुदा के लिए यहाँ पर जौहर ब्लॉक 1 पहाड़ के ऊपर कोई गवर्नमेंट स्कूल खुलवा दें, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों झुग्गियाँ हैं। दूसरी बात यह कि आम लोगों को, मेरी तरह के लोगों को मैं ये पैगाम दे रही हूँ कि देखिए हर अच्छी आबादी के साथ कच्ची आबादी लगी हुई है, हर घर में मासी आती है, तो अगर थोड़े से और लोग भी सिर्फ अपने मासियों के बच्चों को पढ़ा लें, सिर्फ 1 घंटा दे दें, कि कम से कम उनको बेसिक पढ़ना आ जाए, मैसेज पढ़ना आ जाए अपने मोबाइल पर, मैसेज करना आ जाए, तो ये हमारे लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। और उनको जब पढ़ना और लिखना आ जाएगा तो वो मोटिवेट होंगे और वो प्रॉपर स्कूल जाने लगेंगे। इस तरह ओवरऑल हमारी सोसाइटी में काफ़ी इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। तो नाज़रीन इन्होंने जो कदम उठाया है इस बात का, ये बहुत बड़ी बात है कि अपने इर्द गिर्द उन बच्चों पर नज़र रखना जो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे, और उनके माँ बाप के पास भी इतने वसाइल नहीं होते, और जिन इलाकों में गवर्नमेंट स्कूल मौजूद नहीं है तो वो माँ बाप फिर अपने बच्चों को किसी भी तरह तालीम नहीं दिलवा पा रहे होते। तो ये बहुत अच्छा इकदाम है, और ये बहुत अच्छा मैसेज भी है, बहुत अच्छी मोटिवेशन है उन लोगों के लिए जो खुद पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चे भी तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके आसपास अगर कोई ऐसी फैमिली है या ऐसा कोई है जो तालीम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहा, तो उनकी तरफ भी नज़र डालें और उनको भी साथ दें और उनको भी तालीम जैसी नेमत से नवाजें। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए, ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।